हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली आज जैसे बैठे बैठे यू नो कुछ थॉट्स आए मेरे दिमाग में, तो मुझे लगा कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे मर्चेंट नेवी से रिलेटेड लोग ही रिलेट कर पाएंगे। ज़्यादातर वीडियो मैं उसी बारे में बनाती हूँ, मेरे थॉट्स वगैरह सब शेयर करती हूँ। सो कुछ एक दो मिस्टेक्स जो मैंने इस एक्सपीरियंस के दौरान की है, तो वो आई डो नॉट वॉन्ट कि कोई और ये सेम मिस्टेक करे, और हो सकता है कि मेरी ये वीडियो किसी के काम भी आ जाए। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं और लोग रिलेट भी कर पाएंगे। सो बिफोर पॉइंट नंबर वन, जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखे हैं, ये कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। पहला पॉइंट, हमेशा याद रखना, जब भी बंदा सेल पे जाता है तो ये बंदे की और बंदे की दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेक श्योर करो आपको उनके शिप का नाम वगैरह और उनका जो रूट वगैरह है वो थोड़ा सा आप हमेशा ध्यान रखो। बहुत मेरे हिसाब से बहुत अजीबोगरीब नाम होते हैं कभी कभी, तो तुम मुझे वो याद नहीं रहते, तो मैं जनरली उसको राइट डाउन भी करके रख लेती हूँ मेरे केस में। एंड तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वाइफ की नहीं होती है, लेडीज़ की नहीं होती है, ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी गाइज अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है, कि आप लोग भी मेक श्योर करें कि उनका उनको आपकी शिप के बारे में पता हो, वो शिप का रूट क्या है, कहाँ से कहाँ तक वो जाता है, कैसा है, कितने दिन पुराना है, क्या सिचुएशन है, थोड़ी बेसिक जो डिटेल्स हैं उसके बारे में आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को या स्पाउस को प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल्स बिफोर लिविंग थोड़ा सा बता के ज़रूर जाएँ, ठीक है। बिकॉज कैसा होता है ना, देखो यार, ये तो नहीं बोल सकती हूँ मैं कि देखो रिस्की नौकरी है, ये है वो है, लेकिन सेफ तो कहीं भी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, कुछ भी बात हो जाती है, अगर मेरे को यही नहीं पता है कि मेरे हस्बैंड कौन से शिप पे अभी सेल कर रहे हैं, तो मैं किससे कॉन्टेक्ट करके और मैं क्या रिक्वेस्ट करूँगी। सो यू नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि उनकी शिप वगैरह का नाम क्या है। सो द पॉइंट नंबर टू, उन्हें जो आपकी पार्टनर्स हैं या घर में कोई है, हो सकता है आपके ब्रदर हो सकता है आपके फादर मदर, किसी को भी आप ये चीज़ ज़रूर सिखाएं कि आप जिस शिप पे जा रहे हो उसको अगर थोड़ा बहुत आपको ऑनलाइन ट्रैक करना हो, तो वो ऑनलाइन कैसे वो लोग देख सकते हैं, कौन सी साइट पे जाके देख सकते हैं, कैसे उनको आइडिया लग सकता है। बिकॉज ऐसा हो ना किसी के साथ में, अगर आपको कॉन्टैक्ट करने का टाइम नहीं लग पा रहा है या कोई इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, सैटेलाइट इंटरनेट भी नहीं मिल पा रहा है, आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो लोग उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए अगर आप उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी उनको अगर नहीं मिल रहा आपका मैसेज कि आप ठीक हो नहीं हो। अच्छा ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने वहाँ पर चेक कर लिया कि भाई दो दिन बाद तीन दिन बाद पोर्ट पर लगने वाला है शिप, तो शायद तब नेटवर्क आ जाएगा, दे विल बी एबल टू कॉन्टैक्ट यू, या आप उनको कॉन्टैक्ट करके बता देंगे। ये मेरा पॉइंट नंबर टू था, मुझे ऐसा लगता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिर मेंटली थोड़ा सा फैमिली भी रिलैक्स हो जाती है कि नहीं अभी बस पहुंचने वाले हैं और हमें भी मैसेज मिल जाएगा। सो पॉइंट नंबर थ्री, ये मैंने पर्सनली मिस्टेक किया है कि आपके जो पता नहीं, ये सबका अपना अपना हो सकता है, फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह जो रहती हैं, आपका सैलरी अकाउंट वगैरह है, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह है, इसके बारे में आप फैमिली में किसी ना किसी को तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स जरूर दे के जाएँ। बिकॉज कैसा होता है, मैं आपको छोटी सी स्टोरी से रिलेट करती हूँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मेरे हस्बैंड शिप पे थे, तो उनके साथ में जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी कलीग्स थे, सबके सैलरी क्रेडिट हो गई थी, मेरे हस्बैंड की सैलरी क्रेडिट नहीं हो रही थी ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस। और ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने कभी डिटेल्स नहीं ली थी, और मैं मतलब मैंने क्या घर में किसी ने भी नहीं ली थी। तो अब माई मिस्टेक वॉज कि मैंने कभी ऑनलाइन ये सब उनके लॉगिन आईडी वगैरह पासवर्ड वगैरह ये सब मैंने नहीं करके देखा था, ये तो मैं पता नहीं कर पा रही थी कि रीज़न क्या है, किस वजह से ये हो रहा है। बट टचवुड उस टाइम पे ऐसा हुआ कि उनको इंटरनेट मिल रहा था, तो वो ये चीज़ पता कर पाए कि अकाउंट में कुछ इशू हो गया था काफ़ी दिनों, बिकॉज उन्होंने एग्जाम्स वगैरह दिए थे, तो सेल में ऑलमोस्ट 1 ईयर का गैप आ गया था, तो अकाउंट इस वजह से किस रीज़न की वजह से डीएक्टिवेट हो गया था, तो ये सब चीज़ें थी। बट तो वो बिकॉज मैं उनके साथ कॉन्टेक्ट कर पा रही थी, तो वो मुझे गाइड कर पा रहे थे कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करके होगा, ये मेरी आईडी है, ऐसे ओपन होगी, अभी ये होगा, अभी ये होगा। सो आई वॉज एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि फिर चलो ठीक है, फिर कॉन्टेक्ट करो उनके जो यहाँ पे ऑफिस में बैठते हैं, मुंबई या दिल्ली के ऑफिस में जो भी
कंसर्न पर्सन बैठता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, उनको उनके साथ में फॉलो अप करना कि भाई अब आपने डाली है कि नहीं डाली है, फिर बैंक वालों से फिर बैंक में कंफर्म करना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी है। सो ये मेरी गलती थी कि मुझे भी प्रोएक्टिवली ये चीज़ें करनी चाहिए थी, मुझे ये सब पता होना चाहिए था। बट ठीक है, सोल्व हो गया एट द एंड में, सब सोल्व हो गया तो दैट्स ओके। बट आप लोगों को या तो फैमिली में किसी को पता हो ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है, देखो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, जब यहाँ पे दिन होएगा हो सकता है वहाँ पे रात हो, वो कैसे फॉलो अप ले पाएंगे यहाँ के लोगों से भी, और किसी बैंक में भी किसी से बात करनी हो तो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि मतलब पता ज़रूर होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता हो यार, ये सब प्रॉब्लम्स कभी बता के थोड़ी आती है, सब कुछ सडनली होता है, बहुत सारी चीज़ें तो पहली बार ही होती है ना। तो आप लोगों को थोड़ा प्रोएक्टिवली होना चाहिए और ये सब पता होना चाहिए। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 वॉज, आजकल ना ये बड़ा पंगा चल रहा है, काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो एक जो केस हो गया था वचन देवी रिलेटेड लेके, तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ आप लोगों को ना थोड़ी सी डिटेल्स अपने जो वहाँ पे आपके जो कलीग्स हैं उस शिप पे, जो आप 20-22 लोग हो ज़्यादा से ज़्यादा, आप जिनके इंटरेक्शन में आते हो, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स ना आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को देनी चाहिए। मैं देखो सबका अपना अपना नेचर होता है, कुछ लोग ये समझते हैं, कोई मतलब शिप वाला बंदा ये समझता है कि यार ये तो मतलब इतने साल, ठीक है बहुत टाइम अगर आपको हो गया तो आप यूज टू हो जाते हो उन चीज़ों को लेके, और आपकी फैमिली को भी समझ में आने लग जाता है। अदरवाइज कुछ एक का नेचर होता है कि हर चीज़ शेयर करता है बंदा, बताता है कि हाँ ऐसे लोग हैं, ऐसे नहीं हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है बेसिक चीज़ तो सबको बतानी चाहिए भाई कि क्रू ठीक है कि नहीं ठीक है, घर वालों को भी थोड़ा आइडिया लगता रहे, हाँ कल को कोई सिचुएशन आ जाए तो मतलब थोड़ा पता तो होए कि कैसे कैसे वहाँ पे लोग थे, आपके टीममेट्स कैसे थे कैसे नहीं थे, कैप्टन कैसा था, चीफ कैसा था, तो ये सब चीज़ें पता हो, आपके साथ में काम करने वाले सब कैसे थे, तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को ज़रूर बतानी चाहिए। सो बेसिक, ये बेसिक चीज़ें बताने का रीज़न मैं आपको बताऊं, देखो अगर आपको बहुत टाइम हो गया है ना उस प्रोफेशन में जाके, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप उन चीज़ों का ना यूज़ टू हो गए हो, बट आप क्योंकि एवरी 6 मंथ में ना नए लोगों के साथ में वर्क करते हो वहाँ पे, जनरली ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है कि आपको सेम बंदों के साथ काम करने को मिल जाए, बाई चांस ऐसा होता है। सो हर बार गारंटी नहीं है कि आपको अच्छे ही लोग मिलेंगे, कुछ डोमिनेटिंग हो सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे लीडर्स हो सकते हैं, कैसे भी सिचुएशन हो सकती है, किसी का मेंटल प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम हो सकती है, सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो आपको थोड़ा थोड़ी सी हिंट ना अपने स्पाउस को, अपनी फैमिलीज को ये सब बता के रखना चाहिए कि हाँ इस बार का ठीक है, अच्छा टाइम निकल जाएगा, इस बार का यार टॉर्चर चल रहा है कि बड़ी मुश्किल से टाइम जाएगा, बट बी स्ट्रॉन्ग गाइस। मतलब मैं तो ऐसा सोचती हूँ ऐसा प्रोफेशन कहाँ मिलेगा कि आपको कोई बॉस मिलता है कि जैसा भी हो हद से ज़्यादा 6 महीने झेलना है, अगर आपको वो पसंद भी नहीं आ रहा है कोई रीज़न है तो, अदरवाइज मतलब आप यू कैन रिलेट टू अदर प्रोफेशन, जहाँ पे हम लोग जब मैं जॉब करती थी मतलब आपके पास ये तो कोई होप ही नहीं रहती थी कि इसको सिर्फ 6 महीने झेलना है कि 1 साल झेलना है, तो आप लोगों के पास तो वो होप होती है। तो अगर ऐसा कुछ केस होता भी है तो यार इससे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा, खुद को कैसे मोटिवेट करने के लिए, और आपको क्या चाहिए कि छोड़ो यार अगर अच्छा बंदा नहीं है, अगर आपकी उसके साथ में ट्यूनिंग भी नहीं बैठ रही, अच्छा लीडरशिप आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो छोड़ो, अभी इसको इतने दिन ही झेलना है, क्या कर सकते हैं। बट यू नो प्रोफेशन इतना अच्छा है, पंक्चुअल होते हैं, ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं, सिर्फ ये कि किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ होता है, किसी का काम करने का तरीका कुछ होता है, किसी की एक्सपेक्टेशंस कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, बस ये रीजंस हो जाते हैं। बट आप लोगों को ज़रूर अपनी फैमिली के साथ में शेयर करना चाहिए, नाम वाम ज़रूर बता के रखो, जो आपके साथ में किसी की अच्छी ट्यूनिंग अगर हो जाती है कि हाँ ये बंदा कहाँ का है कहाँ का नहीं है, ये नाम है, यू नो यार थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको फैमिलीज़ के साथ में, मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि ज़रूर देनी चाहिए। पता नहीं औरों का नेचर कैसा होता है, बट मी बीइंग एज ए मरीनर वाइफ, मैं तो ये चीज़ 100% पूछती रहती हूँ कि खाना कैसा बनता है, खाना कैसा मिलता है, चीफ को कहाँ कहाँ है क्या नहीं है, कैप्टन कैसा है, चीफ कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं, उनकी फैमिली कहाँ, तो मेरे को आदत है ये सब चीज़ें पूछने की, है ना। तो मेरी तरफ से तो यही एडवाइस है कि आप लोग प्लीज़ ये सब चीज़ें ज़रूर शेयर करें, और मेरी जो डियर लेडीज़ हैं आप देखो प्रोएक्टिवली इन चीज़ों में थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ करें। आई अंडरस्टैंड इवन आफ्टर बेबी आई रियलाइज़ कि मतलब
फुर्सत ही नहीं होती है हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करने में। हम अपनी ही दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं, बच्चा 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 बच्चे के बारे में चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। वो चीज़ रियलाइज ही नहीं होती कि उनके प्रोफेशन के बारे में हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। बट इट हैपन्स यार, वो भी बहुत ज़रूरी है। उनका मेंटल स्ट्रेस आप ही रिलीज़ कर सकते हो, आप ही संभाल सकते हो उसको, आप ही सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें ना शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को मतलब बोलना चाहूँगी कि जनरली कैसा होता है ना, हम इग्नोर कर देते हैं ये पॉइंट। ऐसा होता नहीं आज के टाइम तो किसी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ना ले रखी हो और कोई पॉलिसी ना ले रखी हो। तो मतलब वो जो डिटेल्स है ना, मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है पार्टनर्स को कि एक दूसरे के साथ ना शेयर करो यार, उनके जाने से पहले ना वो सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जितने भी चाहिए उसका जेरोक्स हो कुछ भी हो, वो फाइलों ना हैंड ओवर करो प्रॉपरली अपने स्पाउस को, कि उसे भी पता हो कि कल को टचवुड कभी ऐसा ना हो, कभी कुछ इमरजेंसी आ गई है आपको, आपकी फैमिली में सिर्फ यू आर द ओनली वन और पीछे से आपकी वाइफ को संभालना है सब कुछ और आप शिप पे चले गए हो, घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली में किसी की भी हेल्थ ख़राब हो गई है, कुछ कराना है, किसी को एडमिट करना है, कुछ करना है, तो वो जो हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो सब आपको प्रॉपरली पता हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो, प्लस जो आपके हस्बैंड की जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह हैं वो भी आप लोगों को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। बिकॉज मुझे अभी ये चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हुआ है कि मैं बहुत, मेरा इग्नोरेंस नेचर है इस चीज़ को लेके, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ कि कौन सी पॉलिसी कर रखी है, कौन सी नहीं कर रखी है, मतलब कौन सी EMIs कट रही हैं, क्या कट रही है, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। बट मैंने एक दिन रियलाइज़ किया कि यार ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए, हमें भी ध्यान देना चाहिए, अगर कल को कुछ हो जाए तो मेरे लिए तो हैंड्स ऑन द माउथ वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, यू नो, ऑल द पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में थोड़ी एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि भाई कौन सी कंपनी के लिए रखी है, पॉलिसी नंबर क्या है उसका, बाकी तो कहानी और बाद में देखेंगे कि घर वाले में मम्मी पापा का ध्यान रखना है, किसी को कुछ हो गया तो वो किससे बात करनी है, कैसे फिर वो क्लेम करना है, क्या करना है, वो तो स्टोरी बाद की हो गई है। बट एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन तो हो मुझे उस टाइम पे कि उस पैनल में फिर कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊँ, जब जैसे किसी भी कंपनी में आपके हस्बैंड वर्किंग है और ये हस्बैंड्स के लिए भी आप भी वर्किंग हैं और आपका हेड ऑफिस किसी का दिल्ली, किसी का मुंबई, किसी का जो मेन कॉन्टैक्ट पर्सन जो है जो आपको शिप पे भेजता है, अलॉट करता है आपको, जो शिप अलॉट किया, किसी का कोई है, किसी का कोई है, किसी का कोई है, तो आप किसी भी सिचुएशन में आप अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ ज़रूर बता के जाएँ जाने से पहले, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स 100% दे के जाएँ, कुछ हरार के लेवल तक, कि अगर कुछ हो जाता है, कुछ कांटेक्ट नहीं कर पाते हो, कुछ इमरजेंसी है, फॉर एग्जांपल जल्दी आपको साइन ऑफ करवाना है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएट बेसिस पे करवानी है, कुछ कुछ भी करवाना है, तो आपको कांटेक्ट किससे करना है, ये सब कांटेक्ट नंबर्स और बंदों के नाम वगैरह आपके पास में 100% होने चाहिए, ये मेरा सजेशन है। और आई ट्रूली फील कि ये तो करना ही करना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये 100% दे के जाएँ, आप और लेडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी बहनों आप प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर लेके रखो, कभी ना कभी ज़रूर काम आती है ये चीज़, मैंने ये तो पर्सनली ये सब चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस की है। गाइज़ अभी यही थॉट्स थे मेरे, 4-5 मेरे दिमाग में आ रहे थे, मुझे लगा आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूं। अगर आप लोगों को ठीक लगे हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो जरूर कर दो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और मैं ये सब चीज़ें ज़रूर लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे किसी दूसरे थॉट्स के साथ, किसी वीडियोस के साथ, और कोई सजेशन हो तो यू कैन कमेंट मी एनी टाइम कि किसके बारे में मुझे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है इस फील्ड से रिलेटेड, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।